सर आई थिंक नेगेटिविटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर सक्सेस ओवर कॉन्फिडेंस इज अ की ऑफ द फेलियर सो आई थिंक नेगेटिविटी भी होना चाहिए अपने अंदर कि हम लोग को लगे कि वी कैन वर्क मोर हार्डर देन वी आर डूइंग वेरी गुड थिंग बट लेकिन उससे पहले कि हम दूसरे क्वेश्चन पर आए इतना अमेंडमेंट करना चाहूँगा आपकी बात ठीक है कि हर चीज़ में आप पॉजिटिविटी ही रखेंगे तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं आप ओवरकमिट कर सकते हैं जिसका आपको नुकसान हो सकता है तो उसमें मैं ये कहूँगा कि आपको नेगेटिविटी की बजाय ये कहिए कि कॉशियसनेस रहना चाहिए आपको अपनी कमजोरियों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए जिससे कि आप अपने आप को ओवरकमिट ना करें सर जब आप डिसअपॉइंट होते हो तो आप अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए क्या करते हो नेगेटिविटी को आप पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करते हो व्हाट इज़ नेगेटिविटी बेसिकली साइकोलॉजी में और साइकेट्रिस्ट जो हैं वो नेगेटिविटी को केवल एक हमारी टेंडेंसी है ऐसा मानते हैं हम लोग पॉजिटिव टेंडेंसी से नेगेटिव टेंडेंसी ये एक चीज़ है इससे कोई बड़ी बात नहीं है हम नेगेटिविटी के एडवर्स रिजल्ट तो बहुत ख़राब हैं बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसको ठीक ना किया जा सके ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आपकी एक टेंडेंसी है ये इधर झुकने की या अगर थोड़ा सा इधर झुकने के बजाय इधर झुकने लगो पॉजिटिविटी की तरफ तो वो टेंडेंसी बदल जाएगी दूसरा प्रश्न उठता है कि क्यों कैसे हम लोग नेगेटिविटी में आते हैं ये दो तरह से जैसे मैंने कहा आपको या तीन तरह से ब्रादर ये कहूँगा तीन तरह से हम नेगेटिविटी में आते हैं एक जन्म से हमारे अंदर होता है नेगेटिविटी जो कि टैलेंट होता है हमारा जिसको हमने पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट किया कि आपके अंदर अगर जन्म से नेगेटिव एटीट्यूड है तो आपके अंदर वो टैलेंट है वन ऑफ द टैलेंट इज़ नेगेटिविटी जिसको अगर आप ठीक से इस्तेमाल करें तो उसको बड़े अच्छे रूप से इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं दूसरा कारण होता है कि आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया जिंदगी में और ख़ासकर यंग एज में कम एज में उसकी छाप इतनी गहरी हमारे ऊपर पड़ती है वो हमारी पूरी सोच बदल देती पूरी पॉजिटिविटी को एकदम नेगेटिव रूप में ले जाके हमको खड़ा कर देती है और हमारी पूरी जो पर्सनैलिटी पूरी जो चीज़ जिसको लेके हम पैदा हुए थे उसको पूरे को तोड़ मरोड़ देती एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको मैंने एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम किया या उसने मेरे साथ काम किया बात एक ही है मैंने उसमें देखा कि वो हर पैसे वाले आदमी के खिलाफ था आदमी जब भी उसको मौका मिलता था वो वो नेगेटिव uh, बात उनके बारे में करता था उनको हार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था दूसरा रिश्तों में उसका विश्वास नहीं रह गया था किसी प्रकार के रिश्ते में उस आदमी का विश्वास नहीं था बहुत सोचा और बड़ा ब्रिलियंट आदमी बिजनेस के अंदर बेस्ट स्ट्रेटजी में बड़ा अच्छा लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा तो उसको हमने किसी तरीके से उससे पूछा क्यों हुआ है तो आपको भी सुन के हैरानगी होगी जो मुझे भी हुई जब बचपन में जब उसका जन्म हुआ उस आदमी का तो उसका सबसे बड़ा भाई करीब 37 वर्ष का था जब उसका जन्म हुआ उससे दूसरे नंबर छोटी बहन कोई बत्तीस 33 साल की थी तीसरा एक भाई और था वो भी करीब 28 साल का था तो ये समझिए कि 28 वर्ष के बाद उसके यहाँ उसकी माँ ने उनको कंसीव किया और उसका जन्म हुआ तो जहां वो पाँच चार पांच वर्ष का हुआ छः वर्ष का हुआ उसको सुनने को मिला बार बार उस परिवार में क्या लगता आपको क्या सुनने को मिला होगा कि भैया तू तो बिना बुलाए आ गया आप सोचिए उस पाँच छः वर्ष के बच्चे की साइकोलॉजिकल हालत क्या होगी और रही सही कसर वो कहता साहब हमारी एक दुकान होती थी जिस दुकान में मेरा बड़ा भाई संभालता था तो जैसे मैं दस बारह पंद्रह वर्ष का हुआ तो उस बड़े भाई ने मुझे नौकरों से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार मेरे साथ किया मुझे वो रोज़ हुक्का भरने को बोलते थे पानी लाने को बोलते थे मीन काम कराने को कहते थे तो बोले मैं अठारह वर्ष की उम्र में घर से भाग आया भाग के आके कहीं पे नौकरी की कुछ किया पढ़ा लिखा खुद आगे बढ़ा जिंदगी में एमबीए तक किया नौकरी करते करते एमबीए भी किया और लाइफ में बहुत आगे बढ़ा लेकिन वो नेगेटिविटी उसका पीछा नहीं छोड़ी तो ऐसे इंसिडेंट्स कभी कभी होते हैं हमारे साथ जो हमको पूरा रुख हमारा बदल देते हैं किसी इंसिडेंस की वजह से आपके साथ हुई घटना घटी और उसकी वजह से आपका सोच बदली उसको थोड़े अच्छे लोगों की संगत जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं, सत्संग अच्छे लोगों का साथ अगर लें तो उससे ठीक किया जा सकता है तीसरे प्रकार के कारण क्यों नेगेटिविटी आती है हमें? हम में हम ज्यादा बहुत से लोग जिंदगी में मिलते हैं हम यहाँ सौ लोग बैठे हैं हम में से बीस तीस चालीस लोगों की टेंडेंसी नेगेटिविटी की तरफ होगी अब उस व्यक्ति के साथ उस लड़की के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप समय गुजारेंगे नेगेटिव सोच के आदमी के साथ औरत के साथ आप ज़्यादा टाइम गुजारेंगे और वो आपसे थोड़ा ज्यादा कन्विंसिंग पावर रखते हो तो धीरे धीरे मैं आपको नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये तीन प्रकार से नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है ये आपके प्रश्न का जवाब हुआ कि क्यों वट आर द रीजन अब ये है कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं हमारे पर वो तो हम लगभग सब जानते हैं कि नेगेटिव सोच के माने इट इज एंटी सक्सेस आपकी रिलेशनशिप कभी ठीक नहीं रह सकती किसी के साथ चाहे अपने माँ बाप हों चाहे भाई बहन हों चाहे और रिलेशनशिप हो वो अगर नेगेटिविटी रहेगी तो आप अपने फ्रेंड के बारे में अपने भाई के बारे में सबके बारे में आपकी उसकी कमियां ज़रूर देखेंगे पॉजिटिविटी बाद में देखेंगे तो जब नेगेटिविटी होगी तो रिलेशनशिप ठीक नहीं रह सकती